संसार क्रांति न्यूज आज पहुंचा है सफीदों में, जहां एक फन फेयर मेला लगा हुआ है। इसी बारे में हम जो फेयर फन के मालिक हैं सुरेश कादियान जी, उनसे भी इसकी जानकारी लेंगे। आप यहां देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहां इकट्ठा हैं एंजॉय के लिए। यहां झूले वगैरह हर तरह का बच्चों के मनोरंजन का सामान है। हम जाना चाहेंगे सुरेश कादियान। कादियान साहब, कब शुरू किया है, कब तक लगाओगे और क्या क्या इसमें आपने बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं दे रखी हैं? सर, मैं सुरेश कादियान फ्रॉम पानीपत। ये फन फेयर हम पूरा हरियाणा प्लस गुजरात और ऑल ओवर इंडिया लगाते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम लगाया है, परंतु कल से इसका ओपनिंग किया जा रहा है। आज तो ट्रायल चालू है, कल से इसका ट्रायल किया जाएगा। बच्चों के लिए अनेक तरह के छोटे बड़े झूले हैं और खाने पीने के लिए कैंटीन और कुछ स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जिससे आप सभी सफेदों वासियों और आसपास की ग्रामीण जनता से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच कर इस मेले का आनंद उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कितने आदमी की टीम है आपकी, जो यहाँ जो मेला लगाया आपने फन फेयर का? लगभग 50 आदमियों की टीम है। 50 आदमी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 50 आदमियों की टीम है, इस 50 आदमी टीम में आपने क्या क्या मतलब विशेष जो मनोरंजन की सुविधाएं हैं बच्चों के पब्लिक के लिए, कि विशेष मनोरंजन की आपके यहाँ क्या सुविधाएं हैं? छोटे बच्चों के लिए ट्रेन है, ड्रैगन है, सलम्बो है, ब्रेक डांस है, ज्वाइंट व्हील है, नाव है। तो ये कितने दिन तक मेला चलेगा यहाँ सफेदों में? ये 5 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख कल ओपनिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि सुरेश कादियान जी कहना, 5 तारीख तक ये चलने वाला है, 5 अगस्त तक, और कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। इसी मौके पर सफीदों के थाना प्रभारी समरजीत सिंह भी यहाँ सुरक्षा की जांच के लिए आए हुए हैं। जहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम है, इस बारे में हम थाना प्रभारी समरजीत सिंह से बात करेंगे। सर, जैसा कि आप अभी आए हैं यहाँ, आप देख रहे हैं ये मेला लगा है, इस बारे में आप के तरफ से या पुलिस सफेदों पुलिस की तरफ से क्या निर्देश आप इन्हें देंगे और इस बारे में आप विस्तार से बताइए। ऐसा है, जब ये मेला लगाने के लिए इन्हें परमिशन ली थी, तब भी हमने इनको हिदायतें दे दी थी, एक भाई सुरक्षा के संबंध में, पार्किंग के संबंध में, अच्छा दूसरा छोटे बच्चे हैं इंस्ट्रूमेंट तो उनके संबंध में भी, जैसे भाई वहाँ पे उसका हेल्पिंग बॉय है और ड्यूटी बॉय हैं वो साथ में रहें। अच्छा दूसरा है लेडीज संबंधी, उसके लिए भी एक भाई सुरक्षा के भी आप में हम भी अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और पार्किंग वगैरह के लिए भी एक भाई कोई चोरी वगैरह ना हो, इसके संबंध में इन ये अपने स्टाफ की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी ये कोशिश रहेगी भाई चोरी और सुरक्षा इस तरह की कोई नए हो। यानी कि आपके कहने का मतलब है, जो हरियाणा पुलिस का एक नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसके मद्देनज़र आप जो ये फन फेयर मेला यहाँ लगाए, इसमें किस तरह की पुलिस की सुविधाएं देंगे? बिल्कुल, हम सुरक्षा के लिए भी आपसे, पार्किंग वगैरह है जो बाहर व्हीकल वगैरह खड़े होते हैं उसके भी आपसे, और दूसरा भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेडीजें हैं, वो आते हैं तो उनकी सुरक्षा के भी आपसे हम यहाँ ड्यूटियाँ लगाएंगे जी। जैसा कि आपने देखा, फन फेयर के मालिक है सुरेश कादियान, इन्होंने भी इस फन फेयर मेले के बारे में जानकारी दी, और SHO समरजीत सिंह भी जो यहाँ मौजूद हैं सुरक्षा को लेके, इन्होंने भी अपने जो निर्देश इन्होंने दिए हैं उनके बारे में इन्होंने बात की। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ थोड़ा सा क्या क्या मनोरंजन की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और हम थाना प्रभारी समरजीत सिंह के संसार कांड से बात करने के लिए धन्यवाद आपका भी और सुरेश जी का भी। अब आप देखिए, हम आपके साथ चलते हैं, यहाँ दिखाया जाएगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कैंटीन भी मौजूद है सामने, जैसे कैंटीन देख रहे हैं आप, और कैंटीन में खाने पीने का सामान, बच्चों के खेलने कूदने के लिए जो भी झूले वगैरह लगाए हैं, हम सुरेश जी के साथ ही इसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी हमारे साथ आइए आप। जैसा कि देख रहे हैं सीजन के जो चीज़ें हैं, यहाँ भुट्टों की स्टाइल लगाई गई है। भाई साहब, आप क्या ये भुट्टे वगैरह भून के देते हैं, उबाल के देते हैं? अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ बच्चे वगैरह जब छोटे छोटे लेने आते हैं? बढ़िया लगता है।
तो बच्चों की पूरी सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, बच्चों की पूरी सेवा कर रहे हैं। आपका नाम? ओमपाल जी। ओमपाल, चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, इधर खाने पीने की जो स्टाल लगी हुई हैं और यहाँ देखिए दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं चौमीन, बच्चे चौमीन का स्वाद ले रहे हैं, टिक्की ब्रेड चौमीन और ये गोलगप्पे की स्टाल आप देख रहे हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रैगन है जो झूला आपके सामने है जिसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं। यहाँ एक और झूला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों कैसा लग रहा है? सुरेश जी, झूले के बारे में बताइए, ये झूला किस तरह से चलता है और इसमें क्या मनोरंजन की सुविधाएं हैं? ये सलम्बो है और राउंड में चलता है। हाँ, आइए आपको आगे का और नज़ारा दिखाते हैं फन फेयर का। यहाँ एक और झूला देख सकते हैं आप जिससे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप कितने लोग आए हो यहाँ देखने के लिए? झूले में बैठ के कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है, चक्कर आते हैं बस, थोड़े चक्कर आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप छोटी जीप में बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं मेले में। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सभी बच्चे बड़े बड़े झूलों में बैठकर आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं झूलों में बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा, एक नंबर का, बढ़िया लग रहा है, स्वादार है, बहुत बढ़िया। और संसार क्रांति की टीम आज फन फेयर मेले पहुंची है सफेदों के, जहां 5 अगस्त तक चलने वाला है ये। अभी सुरेश जी का कहना है कि अभी और भी काफी सारे झूले लगने हैं। सुरेश जी कितने झूले और लगने हैं यहाँ? अभी 3-4 झूले और लगने हैं। 3-4 झूले और लगने हैं जिसमें मैं ड्रैगन, अच्छा, और बोनसी बच्चों के लिए। ठीक है, संसार क्रांति से बात करने के लिए धन्यवाद।